कीरतपुर नेर चौक फोरलेन पर कैची मोड़ के पास बनी टनल नंबर एक में उड़ रही धूल दे रही हादसों को न्योता। टनल नंबर एक में उड़ रही धूल वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि फोरलेन पर बनी टनल नंबर एक में पिछले लंबे समय से धूल का गुबार उठता नजर आ रहा है। जैसे ही गाड़ियां टनल से गुजरती है तो चारों तरफ धूल ही धूल नजर आती है और दिन में भी गाड़ी वालों को लाइट ऑन करके टनल से गाड़ियां क्रॉस करनी पड़ती है, जिससे न केवल हादसे होने का खतरा है बल्कि बहुत सारे एक्सीडेंट भी टनल के अंदर हो रहे हैं, जिससे जहां वाहनों को नुकसान हो रहा है वहीं लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है। दो पहिया वाहनों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। लोगों ने एनएचएआई और सरकार से यह अनुरोध किया है कि टनल में उड़ती धूल से उन्हें निजात दिलवाई जाए, जिससे कि टनल में हादसे रुक सके और लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। एक नंबर टर्नल है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा धूल है कि दो पहिए वाहन वालों को तो ज़्यादा ही मुश्किल आ रही है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसका मैं एनएचआईएससी और भारत कंपनी से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया हुआ है इन्होंने, उससे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान किया जाए, नहीं तो एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। और धूल के कारण इतनी ज़्यादा अंदर से धूल आती है, जैसे कि गाड़ी आती है अंदर से तो बाहर को इतनी धूल आती है, बाहर तो कोई बस स्टैंड पे खड़ी नहीं सकता बंदा या बस ही नहीं ले सकता पास से, और जो दो वाहन पहिए जाता है कोई भी बेचारा उसको इतनी दिक्कत हो रही है कि अंदर से जब वो जितनी भी ये टंडल है हमारी दूसरी साइड को, एक नंबर टंडल है कैंची मोड़ में दूसरी साइड क्रॉस होना हो तो उसमें इतनी धूल आती है कि परे तक उसकी आँखें बंद हो जाती है धूल से, और इस साइड को आना तब उसको भी वही दिक्कत है। और मेन कारण इसका ये हो गया है, जैसे कि कोई हल्की सी भी ब्रेक लाए तो पीछे से गाड़ी वाला लगा देता है, तो इसका कारण ये हुआ कि धूल की सारी परेशानी से जो है बंदा अपनी मेंटलिटी भी खो सकता है, और अगर कोई बड़ा हादसा हो इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एनएचआईई की जो नेशनल हाईवे वाले हैं इनका सबसे ज़्यादा दोष होगा, और ये जो भारत इंट्रक्शन कंपनी है इनको इनका भी थोड़ा सा इसमें है कि टाइमली ज़्यादा नहीं तो दो तीन टाइम तो कम से कम पानी फेंक सकते हैं, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, ज़्यादा नहीं तो शाम के टाइम, कम से कम तीन बार तो पानी दिन में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो। तो हमारी यहाँ पब्लिक है उसके लिए इन्होंने बैठने के लिए कोई समाधान नहीं किया हुआ है, कहीं भी कहीं बाथरूम नहीं है, टॉयलेट वगैरह तो है ही नहीं है, वो तो बड़ी बात है, जैसे कि किसी ने लेडीज़ ने आना हो तो वो बाथरूम तक नहीं जा सकती। और जो हम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारी पंचायत के प्रधान है चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हम किसी की रस्सी नहीं खींचना चाहते, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और लोगों ने क्या उनको सोच के वोटें डाली होगी कि उनका क्या ये भाईचारा, चाहे समाज कह लो चाहे वातावरण में कोई भी, आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हो, क्या उनकी यहाँ पर कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, क्या उनने अपनी जेबें भरी हुई है या वो कंपनी के पास बिके हुए हैं, क्या वो अपने लोगों को अधिकार नहीं दवा सकते, क्या किस चीज़ के लिए उनको चुना गया, इसी चीज़ के लिए चुना है कि हमारे समाज का यहाँ से कोई ना कोई उद्धार हो, पर वो कर ही नहीं सकते, उनको तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकनी है और रोटी के बेट ही ये सारा कुछ चढ़ा हुआ है। तो मैं पंचायत प्रधानों से भी यही बात अपना प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि भाई आपका अपना पर्सनल काम हो चाहे साइड का काम, आप कंपनी से लो हम आपको मना नहीं कर रहे, पर कम से कम पब्लिक का तो ध्यान रखो, कम से कम इतना ध्यान रखो, मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है इनसे।